तो राम राम जी, कैसे हो सर? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सर। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे पीछे राम राम, तो जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। फाइनली देखिए गाइस, आज यहाँ कमेंट कर दो, पहले कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। आप लोग जो है अगर करते हो कमेंट, पर और भी कमेंट कर दो, ठीक है गाइस। एक चीज की आप लोगों को पता होगा, होंडा अमेज और डिजायर फेसलिफ्ट दोनों गाड़ियां लॉन्च हुई हैं, और दोनों गाड़ियां जो है उनका कल्ट फैन जो है, मतलब फैन बेस एकदम अलग है। कुछ मारुति डिजायर की तरफ जा रहे हैं, रीजन बीइंग कि मारुति है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल रही है, 3 सिलेंडर इंजन है, बट ठीक इंजन है। उसी के साथ साथ उसके लुक्स जो है वो ऑडी से काफी ज्यादा रिजेंबल करते हैं। तो एक जो कल्ट है, पूरा फैन बेस है, वो मारुति की तरफ जा चुका है कि हम तो मारुति ही लेंगे। दूसरे वो होंडा वाले कट्टर फैन जो आईवी टेक के बहुत बड़े तगड़े फैन है, दूसरा वो होंडा एज अ ब्रांड प्यार करते हैं, तीसरी चीज की होंडा अमेज के जो लुक्स हैं वो सिटी जैसे मिलते जुलते हैं, इंटीरियर भी अच्छे खासे बनाए गए हैं, एंड कम प्राइस रेंज में आपको जो गाड़ी है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देने लग रही है। तो ये तो दो हुई अपनी वो गाड़ियां जो बहुत ही ज्यादा डिमांडेड गाड़ियां थी, ये सारी थी। अगर हम बात करें एंट्री लेवल सब मतलब कॉम्पैक्ट सेडान्स में, ये कॉम्पैक्ट सेडान ही मैं बोलूंगा, इनको थोड़ी सी डिक्की पीछे निकली तो आप सेडान की रेंज में दे देते हैं। वैसे तो बलून कार्स में आती हैं, बट फिर भी हम लोग इनको सेडान की रेंज में डाल देते हैं। अब आ जाती है यहाँ पे, और किसी कंपनी के पास अभी नहीं थी, बट हमारी टाटा को सब लोग भूल गए थे, तो टाटा के पास टिगोर जो है इसी सेगमेंट में आती है, सेम जिसमें आप लोगों की डिजायर आती है एंड साथ ही साथ अमेज आती है। हुंडई की बात करूं तो ओरा का भी आप लोगों को फेसलिफ्ट थोड़े दिन में देखने को मिलेगा, बट अभी आज की डेट में जो है हमारी सिर्फ और सिर्फ टाटा टिगोर के ऊपर जो है हम लोग ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपको बस वीडियो को एंड तक देखते रहना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी, शायद किसी और नहीं बताएंगी। साथ ही साथ मैंने कुछ रेंडर्स करे हैं कि नई वाली टाटा टिगोर जो आएगी वो कैसी आएगी। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें, टाटा टियागो एंड टाटा टिगोर जो है उनके फेसलिफ्ट आने वाले हैं। गाड़ी जो है उसका सबसे पहला जो है हम लोगों ने मतलब ये बोलो कैमोफ्लेज में जो गाड़ी है उसको टेस्ट होते हुए देखा है। अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो गाड़ी है 2016 में लॉन्च करी गई थी, उसके बाद इसमें कुछ अपडेट्स आए थे, मेजर अपडेट बात करें 2020 में, बट 2025 में हम लोग एंटर करने वाले, 5 साल से गाड़ी में कोई भी अपडेट नहीं आए, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो सेल्स है यानी कि टिगोर स्पेसिफिक 926 यूनिट पे आ चुकी है सिर्फ महीने, यानी ये टाटा की गाड़ियों में सबसे कमजोर गाड़ी है अभी तक की, 926 बहुत खराब। और यहीं पर बात करें 2023 अक्टूबर में सेम इसी महीने में लगभग, तो 1563 यूनिट जो है बिकी थी, 40% का डिक्लाइन कंपनी ने देखा, इसलिए उन लोगों ने जो है फेसलिफ्ट इसका लाना स्टार्ट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं, बेसिकली देखिए कंपनी कभी भी अपना जो स्टॉक है, जितने भी सारे स्टॉक्स हैं उनको क्लियर करने के लिए पहले बहुत माइनर से फेसलिफ्ट लाते हैं, और कुछ लोग जो है उस झांसे में फंस जाते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। तो आप भी उस जाल में जो है फंसिएगा मत, कि मेजर से अगर आप लोग जो फेसलिफ्ट है उसको मतलब उससे हो जाए। तो अभी जो है 2025 की स्टार्टिंग में आप लोगों को इसका एक माइनर सा अपडेट देखने को मिलेगा। माइनर सा क्या कि थोड़े बहुत बंपर में आपको हल्के फुल्के चेंजेस मिलेंगे कॉस्मेटिक, उसके बाद जो है टेल लाइट्स मतलब पीछे चेंजेस मिल जाएंगे, बट मेजर अपग्रेड जो है वो 2025 के मिड में आपको देखने को मिलेगा। उसी के ऊपर हम लोग बात करें। देखिए जो गाड़ी अपनी टियागो और टिगोर है दोनों सेम X1 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड, और ये जो प्लेटफॉर्म है आज का नहीं, बाबा आजम के जमाने का है, जब इंडिका बनती थी। ये प्लेटफॉर्म 1998 से 2018 तक टाटा इंडिका में यूज करा गया था, सेम उसी प्लेटफॉर्म पे जो है हमारी टिगोर और टियागो दोनों बना दी। तो अब जो है कंपनी फाइनली एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाने वाली, हालांकि ये प्लेटफॉर्म जो है ये भी काफी अच्छा है, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आया है। बट गाइस अब आज की डेट की अगर मैं बात करूं ना, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी रेटिंग्स के हम लोग भरोसे नहीं रह सकते। पहले टाटा ने जितना खेलना था सेफ्टी रेटिंग्स के ऊपर उतना उन्होंने खेल लिया, गाड़ियां उनकी बिक चुकी थी सेफेस्ट कार करके ये, बट अब जब हमारी डिजायर जैसी गाड़ियां जो है इसी रेंज में आ चुकी हैं, जो आप लोगों को सिमिलर अच्छी अच्छी चीजें दे रही है, फीचर्स भी दे रहे हैं, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दे रही है। मारुति सबसे बड़ा प्रहार थी किसी भी कंपनी को लेके, क्योंकि मारुति की कोई सेल्स कोई कभी नहीं गिरा पाया, चाहे उनको टीन का डब्बा बोलो कुछ बोलो, हमेशा ऊपर रहते थे। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लिया है तो उसके बाद अब वो रुकने वाले नहीं है। तो यहां पे ऑब्वियसली बात है कि टाटा को कुछ करना पड़ेगा, इसलिए इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म जो है वो चेंज होगा, माइनर आएगा जनवरी फरवरी मार्च के आसपास, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं होंगे। तो वो आपकी मर्जी, लेना नहीं है, वो सिर्फ कंपनी स्टॉक क्लियर करती है कि जितना उनकी इन्वेंट्री में पड़ा है, जितना वेयर हाउसेस में पड़ा है उसको निकालना है। जो मेजर आएगा वो 2025 के मिड में जाके आएगा, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए ऐसे आप लोगों ने एक चीज और नोटिस करी होगी, मैं आपको पीछे आपने 2-3 इमेजेस देख ली होंगी, बेसिकली इनमें कुछ खास चेंजेस है नहीं, साइड प्रोफाइल फ्रंट प्रोफाइल से एकदम सेम लगने लग रही है। इंजन जो है वो सेम रहेगा बट रिफाइंड रहेगा। हाल फिलहाल जो गाड़ी आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेंज में आती है, जो लगभग 85 पीएस की पावर, 114 एनएम का टॉर्क, इस सेगमेंट में अपनी डिजायर सेम देती है, अमेज सेम देती है, तो इंजन में कुछ नहीं वो चेंज करेंगे। साथ ही साथ
ये भी बताया जा रहा है कि डीजल इंजन में आएगी, डीजल इंजन में नहीं कहता इसमें आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। अब गाइस बात करी जाए कि एक्चुअल में गाड़ी के जो लुक्स हैं वो कैसे दिखेंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैं रेंडर्स करे हैं, तो आपको स्क्रीन पर जो रेंडर्स दिखेंगे, कई लोग बोलेंगे AI बेस्ड है, तो मैं खुद ही कहता हूँ भाई AI बेस्ड है, मैं इतना बड़ा कोई वो नहीं हूँ, बट हाँ मैं जितनी हो पाया उतना आप लोग लेके आया हूँ, तो मैं एक बार स्क्रीन पर डाल देता हूँ, कहाँ घूम गए मेरे रेंडर्स ही घूम गए यार। अब बात कर लेते हैं, मिल गए मेरे रेंडर्स जो थे बेसिकली। देखिए आप लोगों ने नोटिस करा होगा टाटा की चाहे 5 लाख की गाड़ी हो चाहे 30 लाख की गाड़ी, उनके फ्रंट जो है आप लोगों के सिमिलर मिलते हैं, नेक्सॉन, हैरियर, सफारी, ईवी से लेके सबके जो फ्रंट है उनके सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे टिगोर को भी बताया जा रहा है कि उसको जो है थोड़ी लाइन टाइप की ग्रिल मिलेगी, लाइन टाइप यानी कि जो अग्रेसिव हमारी नेक्सॉन में देखने को मिलती है वैसी। तो देखिए सबसे पहला रेंडर आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे, ये जो है हमारी टिगोर कुछ इस टाइप से आने वाली है, जिसमें ऑल न्यू हेडलैम्प्स का सेटअप आपको मिल रहा है, यहाँ पे ट्रिपल हेडलैम्प्स हैं, LED DRLs भी मिल रहे हैं हमें। यहाँ पे बात करूँ ग्रिल तो वो भी नई की नई दे रखी है, बीच में टाटा का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है हम लोगों को। इसी के साथ साथ सेडान टाइप लग रही है यहाँ से, बट फ्रंट चूंकि मैंने बताया था काफी अग्रेसिव रहेगा। देखिए अमेज में कॉपी हो चुका है, हमारे मारुति में कॉपी हो चुका है, बट टाटा मोटर्स यूजुअली कॉपी करते नहीं है ये चीज किसी भी को, तो उनका डिजाइन प्रोफाइल सेम रहता है, उन्हीं की गाड़ियों का कॉपी करते हैं बट दूसरों से नहीं करते। तो टाटा टिगोर का फर्स्ट अगर हम बोले तो रेंडर आपको कुछ इस टाइप का देखने को जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ सेकंड रेंडर आ जाता है, अब आपको बताइएगा क्लोज टू परफेक्ट आपको कौन सा देखने को लग रहा है यहाँ पे। सेकंड में अगेन आप साइड प्रोफाइल से गौर करेंगे ना, तो वही जैसी अभी वाली हमारी आती है टिगोर आती है वैसी आपको देखने को मिलेगी, बट हाँ ये है कि फ्रंट और बैक चेंज होगा मेजर में भी। आप 90% गाड़ियों में देखिएगा साइड प्रोफाइल चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ फ्रंट और बैक होते हैं। अब क्रेटा की बात कर लीजिए, अमेज की बात कर लीजिए, जितनी है उसी से ही काफी फर्क पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक और है हमारा, ये काफी ज्यादा क्लोज टू अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग टाटा टिगोर आती है उससे मिलता जुलता है, जिसमें फॉग लैंप्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ऊपर DRL सेटअप है। इसी के साथ साथ अगेन वैसी ही ग्रिल है जैसी हम लोगों को हमारी अभी एग्जिस्टिंग टिगोर में भी देखने को मिलती है, कुछ उसी टाइप मिल रही है। थर्ड रेंडर आ जाता है यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा थोड़ी सी बल्की सी लग रही है, इसमें अगेन आपको टाटा का लोगो मिल जाता है ऊपर, उसी के साथ साथ DRLs की बात करें तो इन्वर्टेड DRLs हमें देखने को मिल रही है, रूफ रेल्स नहीं है बट हाँ नेक्सॉन से इंस्पायर्ड ये गाड़ी 100% लग रही है। DRLs की बात करें तो यहाँ पे आपको DRLs अगेन इसमें भी देखने को मिलने लग रहे हैं, तो वो चीज भी ठीक लग रही है काफी ज्यादा। इसी के साथ साथ एक फोर्थ रेंडर और आ जाता है अपना, तो यहां से मेरे हिसाब से ये वाली है जो फाइनल अगर हम बोले कि हाँ ये टिगोर से एक्चुअल मिलती जुलती है, और इस टाइप के अगर लुक्स आ भी जाते हैं हमारी नई टाटा टिगोर के तो काफी ज्यादा प्रीमियम रहेंगे, देखने में भी अच्छी लग रही है। और ये मैं ये नहीं कह रहा लीक्ड इमेजेस है, रेंडर्स वही होते हैं जो आप लोगों को एग्जिस्टिंग हमारी टियागो है या टिगोर है उस पे बेस मिलते हैं। टियागो भी आएगी बट टियागो भी वीडियो नहीं बना रहा, चूंकि होंडा अमेज और डिजायर फेसलिफ्ट मैंने अगर टाइटल में डाला होगा तो उन्हीं के इर्द गिर्द जो है मैं इस वीडियो को रखना चाहता हूँ। अच्छा गाइस रियर भी देख लेते हैं, यहाँ पे रियर जो है पुराने वाली टिगोर से ही काफी ज्यादा इंस्पायर्ड रहेगा, हालांकि LED टेल लाइट्स आपको नहीं मिलेंगी, बीच में बड़ा बड़ा टिगोर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। पीछे की बात करें तो आपको जो छोटी सी डिक्की आती है यानी कि इतनी सी डिक्की आती है उस पे जो है आप लोगों को एक बड़ा सा स्पॉइलर रखा हुआ मिल जाता है। इसी के साथ साथ पीछे जो है वाइपर दे रखा है, नहीं आई वॉन्ट टॉप लैम्प वाइपर नहीं, ठीक है। यहाँ पे और कुछ नीचे लिख रखा है टिगोर, ये सब चीज छोड़ते हैं, रिफ्लेक्टर्स जो है वो काफी बड़े बड़े दे रखे हैं हम लोगों को। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग दो सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स का बात करें तो वो थोड़ा बहुत जो है सिमिलर अपना जैसा नेक्सॉन में आता है वैसे ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा इंटीरियर जो है 90% गाड़ियां मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी गाड़ियां आएंगी ब्लैक कलर का इंटीरियर अब गाड़ियों से जा चुका है, सिर्फ फॉक्सवैगन ग्रुप जो है वो ब्लैक कलर के इंटीरियर में है अभी तक, अपनी स्काईलैक बोले या इन सब गाड़ियों में, बट हाँ जितनी और गाड़ियां सब व्हाइट इंटीरियर में जा रही है। अपने डिजायर में भी देखा होगा व्हाइट इंटीरियर मिल रहा है, महिंद्रा अपनी रॉक्स जैसी 4x4 गाड़ियों में व्हाइट इंटीरियर दे रही है, लग्जरी है ना इसी के मतलब मानते हैं वो लग्जरी। इसी के साथ साथ अमेज में व्हाइट इंटीरियर, तो यहाँ पे टाटा भी जो है अपनी टिगोर में भी आपको व्हाइट इंटीरियर देखा। पहले व्हाइट इंटीरियर क्या होता था कि सिर्फ टॉप एंड गाड़ियों में आता था, यानी कि बहुत महंगी गाड़ी लो तब व्हाइट इंटीरियर मिलेगा, बट अब वो एक हवा जो है हट चुका है। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपको इस टाइप का कुछ व्हाइट और ब्लैक कलर का इंटीरियर जो है वो देखने को मिलने वाला है। बीच में टाटा का लोगो है, 3-way स्पोक स्टीयरिंग व्हील्स हमें देखने को मिलेंगे। ये एक और इमेज है जो आप लोग देख सकते हो, सनरूफ भी बता रहे हैं कि सनरूफ भी आएगी जो हमारी नई टाटा टिगोर है उसमें, तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ ये वाला जो है सेकंड वाला ये क्लोज टू परफेक्ट, अगर ऐसी भी आ जाती है हमारी टाटा टिगोर तो भी काफी ज्यादा शानदार रहेगी। तो गाइस देखिए मेरे को आपको डिटेल्स देनी थी, मैंने आपको बता दी कि प्लेटफॉर्म चेंज होने वाला, इंजन है रिफाइंड मिलेगा आपको, चेंज नहीं होगा। इसी के साथ साथ गाड़ी के जो लुक्स हैं वो काफी हद तक चेंज होंगे जो सेकंड वाला आएगा। अभी वाले मॉडल में तो आपको थोड़ा बहुत जो लेपअप होती है कॉपी पेस्ट तक कॉपी पास्ता करके दे दिया जाएगा। एनीवेज दोस्तों आज के वीडियो इतना ही था, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की मेरे वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना मच जाएगा। मिलेंगे आपसे ऐसे और उधर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ कार इंडिया न्यूज को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए क्योंकि वहां पे भी हम लोग जो आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए राम राम जी, ड्राइव सेफ है, सेफ जर्नी अहेड, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय, धन्यवाद।